ट्रेसिंग ब्लड में सम्मान से दिखाऊंगे कैसे हम लोग चेस्ट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो चेस्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि चेस्ट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट। ये 3 पार्ट्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस होते हैं। सो आज दिखाऊंगे कैसे हम लोग अपर चेस्ट का एक्सरसाइज कर सकते हैं। के लिए जो पहला एक्सरसाइज होता है वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस। अभी दिखाऊंगा कैसे हम लोग इंक्लाइन बेंच प्रेस कर सकते हैं। इंक्लाइन बेंच प्रेस करते वक्त एक चीज़ याद रखना कि स्ट्रेचिंग जितना हो सके करना है, क्योंकि इससे मसल्स का जो सेल्स है वो अच्छे से तोड़े जाएंगे और प्रोटीन की तरह रिक्रिएट किया जाएगा। अभी दिखाऊंगा कैसे हम लोग इंक्लाइन बेंच प्रेस कर सकते हैं। मैंने लिख दिया, अभी स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग करूँगा। ये हो गया स्ट्रेचिंग, ये स्क्वीजिंग, ये स्ट्रेचिंग, ये स्क्वीजिंग, ये स्ट्रेचिंग, ये स्क्वीजिंग, ये स्ट्रेचिंग, ये स्क्वीजिंग। इसी तरह से आपको 10 से 12 रिपीटेशंस लगानी है और 3 से 4 से, उससे ज़्यादा नहीं, वरना मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। इसका जो दूसरा एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन डंबल प्रेस। अभी दिखाऊंगा कैसे हम लोग इंक्लाइन डंबल प्रेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये है इंक्लाइन बेंच और दो डंबल दिया, जितना वेट हो सके, मतलब जितना वेट क्लियर कर सके आप उतना ही लेना। ये मेरा पोजिशन रेस्ट पोजिशन है, यहाँ से मैं शुरू करूँगा। इस पोजीशन में रखा, अभी मैं स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग करूँगा। ये है स्ट्रेचिंग, ये हो गया स्क्वीजिंग, ये हो गया स्ट्रेचिंग, ये हो गया स्क्वीजिंग, ये हो गया स्ट्रेचिंग, ये हो गया स्क्वीजिंग। इसी तरह से आपको 10 से 12 रिपीटेशंस लगानी है और 3 से 4 सेट लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं, वरना मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। एक्सरसाइज फॉर अपर चेस्ट इंक्लाइन डबल क्रॉस। अभी दिखाऊंगा कैसे हम लोग इंक्लाइन डबल क्रॉस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जितना वेट दिया कर सकते हैं उतना ही लेना, और इस तरह से आपको इस पोजिशन में खड़ा हो जाना है और स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग करना है। ये स्क्वीजिंग हो गया, ये हो गया स्ट्रेचिंग, ये स्क्वीजिंग, ये स्ट्रेचिंग, ये स्क्वीजिंग, ये स्ट्रेचिंग। इसी तरह से आपको 10 से 12 रिपीटेशन लगानी है और 3 से 4 सेट ही लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं, वरना मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो आज आपने देखा कैसे हम लोग अपर चेस्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे मिडिल चेस्ट एक्सरसाइज किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि इससे आप आज का जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो बस।